तो गाइस ये थी ईद उल मिलान की रात की क्लिप, जो हम रात को ही जगे थे, मेहंदी लगाई थी। वापस बोलना आवाज नहीं लगा कैसे टॉक टू योर हिंदी। तो गाइस सनाया के पापा के इधर देख, सनाया के पापा के 1000 रुपए। कौन आप? बात कर रहे मूड खराब कर। सही में आप भी हो गए और सनाया हो गई उदास। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कैसे हुआ मैं वो आपको आगे व्लॉग में बताऊंगा। सुबह ये थी चांद रात की क्लिप, जो हम सब ने मेहंदी लगाई थी और मेहंदी दे रहे थे और कुछ रील्स बनाई थी हम खाला भांजियों ने और मेरी बहन ने। अब एक दूसरे को प्यारी प्यारी मेहंदी लगाई है, बस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरी मेहंदी अच्छी रची है, वो कह रहा मेहंदी अच्छी लगी है, बस इसी करते हो गया था। सुबह उठने के बाद में फ्रेश होकर नहा धो के रेडी, उसके बाद में थोड़ा सा टच फ्रेश किया जादू नदी का। सुबह से आवाज हमारे नदी का दिन है, मछली आए थे हमारे जाओ जाओ दिन। और ये भाई और ये यहाँ पर लंगर लगा था, तो ये बोला हम वहाँ खाने चले जाते हैं खिचड़ी। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रेडी निकल गई थी, तो यहाँ पिछली साल तो हमारे शॉप के आगे से ही निकली थी गई, बड़ी काफ़ी बड़ी नदी। हमने सुबह थोड़ा आगे चल के देखी, बहुत चीज़ें देखते, तो ये अपने अच्छा नहीं लगता है। तो अपने लोग जो बच्चे थे छोटे छोटे झंडे लगाते हैं, तो इस आंसर को हम अंदर ही रखते गए। जब से ये हुई है ना, घूम गई थी ना, कोई लेके चला गया था, इसको हम बाहर नहीं निकालते। इसको जो मांगती है बैलून वगैरह चीज़ यहीं खा ले बेटा, बाहर नहीं जाने ले। बड़ी जिद करती है बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी आप लास्ट में लोग देखना, मैंने आपको पूरा बता दिया है डिटेल में कहाँ चली गई थी। इन बच्चों का अभी भी मेहंदी से पेट नहीं भरा गया, तो ये देखिए मेरे भी लगा दी उन्होंने, मेरे और इमरान जी का नाम लिख दिया। और मैं गाइस कुछ देर तक सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ही काम करना था। बाद में उठकर मेरी बहन और मैं, और ये मेरी बहन दाल पीस रही है, मूंग दाल का हलवा बनाएंगे आज हम। तो आप सबने भी बनाया होगा, मैं बहुत लेट की डाल दी, 7:30 बजे स्टार्ट हुई, देखते हो 6:30 बजे लड़ रहे हैं, काला देखो लड़ रहे हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग गाइस स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस मैं अनसा की जो कहानी है अधूरी, जो खो गई थी, वो गुम गई थी, कोई ले गया, तो उसको वो मैं अभी इसी व्लॉग में, अभी नहीं इसी व्लॉग में बताऊंगी मैं। तो वीडियो में पूरा व्लॉग को पूरा अंत तक देखना आप। बस अभी हम रेडी हो गए, देखिए रेडी हो गई मैं, बच्चे भी रेडी हो गए। अभी मैं जा रही हूँ मेरी हेयर कट कराने, मेरा और निशा का। तो गाइस एक चैलेंज दे रही हूँ मैं, अभी इनको तो मैंने बताया लेकिन ऑन कैमरा बता रही हूँ मैं। गाइस आज 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं करूँगी, ये मेरा चैलेंज। मैं कभी जब भी जाती ना खर्च करके आ जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ आज अगर मैंने 1 रुपए की भी चैलेंज, 1 रुपए की भी शॉपिंग की ना, तो फिर मैं समझ लो कुछ ना कुछ सजा मिलेगी, बच्चे देंगे, इनको खिला पिला देंगे। 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं करूँगी, फर्स्ट टाइम होगा मेरा, फर्स्ट टाइम ऐसा। वो भी अभी तो स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि हो गया कम्प्लीट होगा। तो चलते हैं, कौन चल रहा है मेरे साथ? एक खाने लड़की चलते हैं अभी। तुमने अच्छे से बनाई थी हमारा व्लॉग, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि ज़्यादा था। और बहन आई भी, फिर से बहन आ गई, तो बिल्कुल भी गाइस तबीयत ठीक है उसकी बच्चे की, तो वो दिन भर रोता ही रहता। अभी भी आवाज़ सुनाई थी, रोया नहीं लेकिन खाए जाइए देखिए बच्चे खेल रहे हैं। बता टकला करा दिया, मैंने सोचा कि किसी चीज़ से चुप हो जाए, फिर दिलास सब कुछ कर देगा, पता नहीं क्यों रोने लग जाता, क्यों। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, रास्ते में मिलेंगे या फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहीं मिलेंगे। मेरा बुरखा भी नहीं चाहिए देगा, इसमें मेहंदी कितनी अच्छी लग रही पैरों की, बड़े पैर फैलाते हुए पांजे। और ये लाइट क्यों चल रही, लाइट बंद कर भैया, बैटरी चली गई है। हमें विंडो सीट चाहिए,
खिड़की वाली सीट। अब बताओ खिड़की कौन सी होती है? क्या इंसान है भैया, रुकना। गाइस मिल गई हमको ई रिक्शा, तब से हम पकड़े। गाइस हमें वापस खड़े करे, 10 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं और फाइनली हमें एक ई रिक्शा मिल चुकी है। इसको देख डायन को। अरे हम डी मार्ट देखिए। अब यहाँ का बस मेरा यही है चैलेंज कि मैं कुछ सामान नहीं लूंगी, कुछ भी नहीं। बच्चे जीत कर रहे हैं गाइस, आप पता नहीं क्या नहीं लूँ। गाइस कुछ लेना नहीं था लेकिन फिर भी मैंने मतलब पता नहीं क्या क्या लिया, लेकिन घर के लिए ले गाइस, मेरे लिए कुछ नहीं लिया। ये बच्चों की जिद थी कि हाँ मैं कुछ ना कुछ लेना ही है, चाहे ओट्स हो गए या घेर घेरी का सामान है, लेकिन लेकर आते हैं मैं वो देखती हूँ कि आप कितने देखिए जो मैं फालतू लेती हूँ, आप कुछ कम कर देना कि ये चीज़ एक्स्ट्रा काम की नहीं वो ले ली सारा सामान। अगर मैं चैलेंज नहीं लेती मेरा इसको मेरे सब डाल ही लेती, लेकिन कुछ कुछ बच्चों की वजह से डाली है और देखती हूँ मेरे लिए क्या हो सकता है। मैंने बोला भी था नहीं चलते, अगर चले कुछ ना कुछ तो आएगा। बच्चे हैं मानते नहीं, मानते कराने गए थे हेयर कट, लेकिन वही देख देख के खुश होगा, वरना मैं एक आधा मेरा कुर्ता का पजामा जो भी था उतनी सारी वैरायटी आ जाओ भाई वाले। दिल पे पत्थर रख के गाइस पूरा मॉल मॉल आइसक्रीम ले ली थी और हम खा रहे हैं रिक्शा रस्ते में चल कर चलते, क्योंकि टाइम की बचत भी हो जाएगी हमारी और घर भी पहुंच जाएंगे। और ये देखिए रोड पे कितना पानी है गाइस, देखिए आ रही बच्चे एंजॉय कर रहे हो तुम। ये देखिए इनको कम ही मजा आया आज, है ना, ग्रीन ग्रीन लग रहा ना सब। वाओ गाइस आने के बाद वहाँ से फिर चाय पानी पी, शॉप में कुछ माल लोड किया, उसके बाद में खाना बना रहे बनाते फिर मिलती आप। सो गाइस हो गया है खाना पीना वाली बात। सो गाइस जो मेरा चैलेंज था वो मेरे से चैलेंज सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सामान खरीद ही लिया, जो भी खरीदा चाहे शॉप के लिए खरीदा या घर के लिए तो वो हो ही गया मेरा चैलेंज। गाइस मैं शॉपिंग के मामले में बिल्कुल भी चैलेंज नहीं सकती, ये मेरा कम हो गया है। मैं अपना आप से कन्फर्म हूँ कि मैं शॉपिंग के मामले में मेरा कोई चैलेंज देना ही नहीं। हाँ ये देना हो ना कि आप शॉपिंग कितनी कर सकते हो वो तो मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, ये बोलो ना कि आप बिल्कुल ना करें वो तो अपना फेल ही गाइस फ्लॉप हो चुका मेरा चैलेंज वाला। अपन ने चैलेंज करना बस की बात नहीं। तो गाइस आपने देखी कुछ क्लिप, खाना पीना भी बना लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बस थोड़ी बहुत गपशप की बहन से बच्चों से जो भी पढ़ाई वढ़ाई कराई को
वैसे आपको अनुषा के बारे में बता देती हूँ मैं। अनुषा की शायद आपको लग रहा होगा कुछ ऐसी क्लिप समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने भी देखा तो मुझे भी लगा इसमें एकदम बिल्कुल डिटेलिंग में नहीं है, क्योंकि मैं उन लोग कम्प्लीट नहीं कर कम्प्लीट में इसमें कम्प्लीट कर देती हूँ गाइस। में उस टाइम में आई थी, मतलब हम सब लोग डर चुके थे, पूरी फैमिली डर चुकी थी। मेरी बहन की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मेरी बहनों के बच्चे तक रोने लग गए थे, मीशा सब, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं अब कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए। उस टाइम मतलब गलत गलत हो रहा है सभी के। तो बस बात ये, बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और आपको वो वीडियो लगे तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपसे मिलते हैं हम आपसे हमें हमें नेक्स्ट बनाया और नाइसा बनाएंगे ना।